मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी कंगना रनौत आज यहां पर हैं और कल वह वापस चली जाएंगी। ऐसे में कंगना रनौत बरसात में आने वाले मेंढक की तरह हैं। आनी पहुंचे कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आजकल चुनाव प्रचार के दौरान कंगना रनौत जिस तरह से अपनी वेशभूषा पहन रही हैं, उससे तो ये पता चलता है कि जैसे वह किसी फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। क्योंकि वेशभूषा बदलने से वह स्थानीय लोगों का दिल नहीं जीत सकती और न ही वह स्थानीय लोगों के दर्द को समझ सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों यहाँ मौसम अच्छा है और कंगना रनौत भी मौसम का मजा लेने के लिए यहाँ आई है। 2-3 महीने के बाद में फिर से अपना बोरिया बिस्तर लेकर वापस मुंबई लौट जाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इसके अलावा टीवी चैनलों में भी कुछ सवे आ रहे हैं, जिसमें बता रहे हैं कि केंद्र में फिर से भाजपा की सरकार बन रही है। इसी तरह का सवे हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान भी हुआ था, लेकिन बाद में वे सब सवे फेल हो गए थे। केंद्र सरकार के द्वारा टीवी चैनलों का अन्य संस्थाओं को ईडी, सीबीआई तथा आयकर विभाग का डर दिखाया जा रहा है, जिसके चलते वे लोग भी गलत सवे पेश कर रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ऐसे में देश की जनता इस सवे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि आपदा से हुए नुकसान को लेकर केंद्र से 12,000 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, लेकिन अब तक कोई पैसे आ ही नहीं। ऐसे में भाजपा के नेता जो इस पैसे के गबन की बात कह रहे हैं, वे पूरी तरह से गलत हैं। जयराम ठाकुर दिल्ली में हिमाचल हित की बात नहीं करते। विक्रमादित्य सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि वह दिल्ली तो जाते हैं, लेकिन हिमाचल की आवाज़ कभी भी केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष नहीं उठाते हैं। वह सिर्फ केंद्रीय मंत्रियों को टोपी और शॉल पहनाकर वापस आ जाते हैं। ऐसे में जयराम ठाकुर को हिमाचल के हितों की बात केंद्र सरकार के मंत्रियों के समक्ष जरूर करनी चाहिए थी।